संस्कृति बहुत सारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। ऐसी एक परंपरा है मासिक धर्म, मतलब मंथली पीरियड साइकिल। कल पुणे में गायत्री नाम की महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज उसी महिला के घर प्रख्यात धर्माचार्य स्वामी निरंजन जी खुद भोजन पर पहुंचे हैं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने हाँ स्वामी जी के साथ में, आइए देखते हैं इस पर इनकी क्या टिप्पणी है। ये बहुत ही आम और सरल बात है, मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि मासिक धर्म ये स्त्री को मिला हुआ सृष्टि का वरदान है, इसी वजह से वो सृष्टि में एक नया जीव पैदा कर सकती है। मासिक धर्म से गुजरते हुए महिला को रोकना, उसे खाना पकाने न देना, उसे पूजा पाठ न करने देना, ये सदियों पुरानी बात है और कुछ नहीं। उन्हें इस सब से इसलिए दूर रखा जाता है कि इन दिनों में उन्हें ज्यादा कष्ट न हो। आज साफ सफाई में तुम भी ध्यान देना, और सुनो किशन, ये टोकरी माँ टेबल पे रख दो। और यही बात समझाने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा कि मैं गायत्री के हाथों बना खाना खाऊं। जयकार जयकार जयकार। ये स्वामी जी बहुत सही किए, हम कितने नसीब वाले हैं, आज शाम को स्वामी जी हमारे घर भी आ रहे हैं। जब स्वामी जी आएंगे तब उन्हें जी भर के देख भी लेना और उनके पैर भी छू लेना। चलो अब। जयकार जयकार। काजल, स्वामी जी का कमरा रेडी हो गया? हाँ हाँ हो गया, मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ। अच्छा हाँ। मैंने सामान की लिस्ट दी थी, सब ला लिया है ना? सब ला दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ भूले तो नहीं? शाम को स्वामी जी आ रहे हैं। चाहिए वो तो बताइए मैडम। मुझे एक बैल की मूर्ति चाहिए। बैल की मूर्ति? वो भी गणपति के वक्त में? है क्या? नहीं तो मार्केट में और भी दुकान है। नहीं नहीं है, लेता हूँ। क्या हुआ? ओ मैडम, इसने मुझे चूमने की कोशिश की है। देखिए, मेरे बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो इसे घर में बंद रखो, बाहर लेके क्यों घूमती फिरती हो? और अगर इसने किसी के साथ गलत कर दिया तो क्या पुलिस को भी यही बताती फिरोगी? ये बात कहा है, सब गलत है, खुद पर काबू रखा कर। कुछ गलत नहीं है आई, मेरे दोस्तों ने कहा था ऐसा करने को, उन्होंने तो मुझे वीडियो भी दिखा। दूर है ऐसे दोस्तों से। एक बात सुन, तेरी शादी करा रही हूँ ना मैं, उसके बाद अपनी बीवी को जैसे चाहे छूना, कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्का? हाँ, जाके खोलो उसे। आइए स्वामी जी, आइए। काजल तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था स्वामी जी के आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए। जी सब हो गया, मैं बस देखने आई थी सब ठीक है कि नहीं। स्वामी जी को रात को पानी पीने की आदत है,
गरम पानी रख दिया है? जी रख दिया। जयकर जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सफेद धोती पहने श्लोक बोलने वाला इंसान साधु या संत नहीं होता। कल तक हम जिसे औरतों की इज्जत करने वाला एक महान संत समझ रहे थे, दरअसल वो एक राक्षस था। इस भेस में उसने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो ये दावा करती है कि स्वामी निरंजन जी ने उनका बलात्कार किया है। तो बताइए काजल जी। मैं हेमंत जी के घर पे काम करती थी। राशि दीदी और हेमंत जी बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग स्वामी जी को भी बहुत मानते हैं। पिछले हफ्ते स्वामी जी पूजा करने उनके घर आए थे, फिर उन्होंने प्रसाद में नशे की गोली मिला दी और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको पता है ना क्या कह रही हैं? आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत है। तो ये साबित हो चुका है कि स्वामी निरंजन एक ढोंगी बाबा ही नहीं बल्कि एक क्रिमिनल भी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा? पुलिस प्रशासन हमें निरंजन स्वामी से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आप क्या बात करेंगे? ये सारे इल्जाम झूठे हैं, वो सब फोटो नकली है। मैडम इसीलिए तो हम लोग आए, सच और झूठ का पता लगाने। स्वामी निरंजन बाबा हमारे लिए भगवान है। हाँ, और आप हमारे ऐसे भगवान को नहीं लेके जा सकते हो। हाँ, नहीं लेके जा सकते। शांत हो जाइए। देखिए प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो यही प्रशासन हमें सम्मान पूर्वक वापस ले आएगी। तब तक आप शांति बनाए रखें और हमारे साथ खड़े रहें। देखिए सर, हमेशा जो दिखता है वही सच होता है, ऐसा नहीं। उस लड़की ने आपको वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। ये लड़की काजल 4 दिन पहले मेरे आश्रम में आई थी। क्या है ये क्या मजाक है? कौन है ये? ये मैं नहीं हूं। इसे आप जानते हो, मैं जानती हूँ, और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और लोग आपके बात पे यकीन करेंगे क्यों? सबूत तो मेरे पास है ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं चाहिए। उसको पैसा नहीं चाहिए था, फिर क्या चाहिए था? पता नहीं, ना उसने कुछ मांगा ना कुछ बोला, बस वहां से चली गई। बाद में मैंने उसे ढूंढने की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो न्यूज चैनल पहुंच चुकी थी। चलो मान लिया आपकी बात सही है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं? देखिए सर, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, हजारों भक्त हैं मेरे, अपने अपने घरों में भगवान के साथ मेरी तस्वीर लगाते हैं लोग। अगर ये सब बातें फैल जाती तो उनका भरोसा टूट जाता। तुम स्वामी निरंजन बाबा के यहाँ गई थी वीडियो दिखाने? कौन सा वीडियो सर, मुझे समझ नहीं आया। देखो काजल, चुपके से वीडियो लेना आसान है लेकिन फोटो लेना ज्यादा मुश्किल। कैमरा क्या पहले से रेडी था? तुम जानती थी क्या संकट आने वाला है? हाँ, 3 महीने पहले वो आए थे और इन्होंने वही किया था, तो मुझे लगा ये इकलौता रास्ता है उनका सच सामने लाने का। 3 महीने पहले? इतने दिन तुम चुप बैठी। सर उन्होंने धमकी दी थी मुझे जान से मारने की, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो क्या हुआ सर? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे घर जाना है। लेके जाओ इसको। चलो जाओ जाओ। सर ये काजल झूठ बोल रहे है या सच वो पता नहीं, लेकिन इसका एम कुछ अलग है, नहीं तो पैसा लेके चुप बैठती थी। मुझे लगता है जो हमें दिख रहा है वह सच नहीं है, सच कुछ और है।
पूछ पाने से क्या दुनिया सच्चाई बदलेगी क्या? मेरा घर है ये, क्या बोल रहे हो आप? लेकिन ये इज्जत वालों का माहौल है, समझी? आप एक औरत को कैसे कैसे बोल सकते हैं? एक औरत को हम स्वामी जी को भी जानते हैं और तुझे भी, बेशरम कहीं थी। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा, और अब वो वक्त आ गया है। मतलब वो तुम्हारे दोस्त जो तुमको वीडियो दिखाते थे ना, वो सब कुछ तुम तुम्हारी बीवी के साथ और सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ कर सकते हो, समझे? जाओ, तुम्हारा वेट कर रही है। काजल की मेडिकल रिपोर्ट। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है सर, क्योंकि ना ही कोई स्ट्रगल के निशान है और ना ही कोई इंजरी। हाँ सर, लेकिन काजल सेक्सुअली एक्टिव है। ये काजल क्या चीज है, क्या सोच रहे हो खान? सर, ये सीसीटीवी फुटेज में काजल आश्रम में इंटर होने से पहले लक्ष्मण से बात कर रही थी। आश्रम से एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। मोहित नाम का एक आदमी है जो आश्रम का सारा फाइनेंस संभालता है, लेकिन 2 महीने पहले उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया, लेकिन वो अब भी आश्रम का ट्रस्टी है। निकालने की वजह? सर, आश्रम में ममता नाम की एक औरत है जिसने मोहित पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप किया था, लेकिन सर ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची क्योंकि आश्रम के रेपुटेशन का सवाल था। काजल का है? निकाल दिया उसे। क्यों? हमारे भगवान का अपमान करेगी तो सजा तो मिलेगी ना। जिसे हम इतना मानते हैं, इतना पूछते हैं, उनके खिलाफ ऐसे गंदे आरोप। चेकाल चेकाल। कहाँ गई वो? गई होगी अपने घर। कितने सालों से काम कर रही थी यहाँ? 2 सालों से। उसका एड्रेस? नहीं पता। लिखा होगा मैंने कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं। अरे, आपने आपकी डायरी में लिखा है, हम लाते हैं। एक लड़की चुपके से आपके बेडरूम में जाती है, कैमरा छुपाती है और वीडियो बनाती है, और आपको पता नहीं चलता? नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं था, और दरअसल वो एकदम चालू लड़की थी। और उसके सर, हेमंत जी, ऐसी कुछ बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। पापा पलक को किडनैप करने में और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? पागल हो गई क्या? ये खींच के दूंगा। तो पलक कहाँ है बाबा? विकास। क्या हुआ? भूत में क्या बोल रही हूँ? भूत के भाग रही तू? मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं? क्यों ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा? तू कुंवारी नहीं है क्या? किस किस के साथ सोई है पहले? भूल में क्या पूछ रहे हो? आई भूल में क्या पूछ रहे हो? आई अब ये मेरी बीवी है ना, अब आप इसको परेशान मत करो, अब आप जाओ। काश मेरी बात सुन। आई मुझे भूख लगी, आप नूडल्स बना दो ना। आई नहीं, अभी आई, आप जाओ। बस मेरी बात सुन। आई मुझे नहीं सुनना, आप नूडल्स बनाओ ना, मुझे भूख भी लगी है। सर, हाथी तो देखा होगा आपने, ये स्वामी भी वैसा ही है। उस ममता ने स्वामी के कहने पर झूठी गवाही दी ताकि वो $2,00,000 वाला स्कैम बाहर ना निकले। कितना? $2,00,000? स्वामी जी, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। मोहित, वो जमीन हाईवे से लग के है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कल वहाँ नया आश्रम खोल सकते हैं, हमारे ही भक्तों को सहूलियत होगी। लेकिन वो आदिवासियों की जमीन है और लीगली हम उसे खरीद नहीं सकते। वो मैं देख लूंगा। ये गलत है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मुझे जॉब से निकाल दिया। लेकिन सर, आज भी मैं उस आश्रम का ट्रस्टी हूँ, मेरे साइन के बिना ना वो पैसे यूज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास डोनेशन और लैंड डिटेल्स है? हाँ सर, सब कुछ है मेरे पास। लक्ष्मण क्या चीज है? सर, स्वामी अगर सपेरा है तो लक्ष्मण उसके पिटारे का सांप, और उसे मैं ले लिया उसने स्वामी को, लेकिन ये सांप कब पलट के स्वामी को काटेगा ये कोई नहीं जानता। अरे काजल का? अरे अंदर कहा घुसे जा रहे हो, कौन हो तुम लोग? दिख नहीं रहा है क्या? मुंबई पुलिस। काजल का है? काजल घर में नहीं है, उधर नहीं है। फिर किधर है वो? मेरे भाई के आ गई होगी, वो अपने घर से ज्यादा मेरे भाई के घर में ही रहती है। कहाँ रहता है भाई तेरा?
ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप। काजल का है? सर पता नहीं। सर इसको निकलने को बोले यहाँ से। इसकी आवारा बेटी आएगी तो जान से मार दूंगा। अरे पुलिस सामने खड़ी है और खून करने की बात कर रहा है। ये काजल का है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एकनाथ काका, पूरा एरिया सील करो। हाँ, मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखी? कहाँ है पलक? उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने काजल को मारा है। तुम जानते हो उन लोगों को? दो हफ्ते पहले काजल आई थी घर पे। बाबा, बाबा पलक कहाँ है? अरे क्या हुआ बोलोगी? एक फोन आया था तो उन्होंने कहा कि पलक को किडनैप कर लिया है। क्या? ये देखिए, आपने देखा कहीं पलक को? हाँ तो काजल ब्लैकमेल हो रही थी, इसका मतलब है मास्टरमाइंड कोई और है। उनके कहने पर वो आश्रम में वीडियो दिखाने के ले गई थी, लेकिन वो वापस आई तो उनका फोन बंद था। पलक का कोई पता नहीं था इसलिए काजल डर गई थी। सच बोल रहे हैं ना? अगर झूठ निकला तो याद रख। हाँ सर, सच बोल रहा हूँ सर। चल निकल। सर हमें अलग एंगल चेक करना होगा। ये पलक की किडनैपिंग, ये स्वामी जी का मैटर, ये अलग है। पहले इस पलक को ढूंढते, एक काजल का मोबाइल डिकोड करो, पता करो उसको किस नंबर से कॉल आया था। ओके सर। अरे विकास बेटा दिखते नहीं आजकल। मम्मी घर में एबीसीडी पढ़ा रही है क्या? राहुल क्या बात कर रहा है यार, अबे छोटा बच्चा है वो। और सुन, बाहर ज्यादा घूम मत, बाहर भूत पकड़ने वाला भूत बाबा आया है। बाबा तेरे को पकड़ ले जाएगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी तो शादी हो गई ना। साला इधर अपने को लड़की नहीं मिल रही और ये बोल रहा है इसकी शादी हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बता तेरी बीवी का नाम क्या? हाँ, बता। चलो मैं चलता हूँ। सर ये मोहित सच बोल रहा है। $2,00,000 की बात सच है, लेकिन इसकी एंट्री आश्रम के अकाउंट में नहीं है, ये अलग स्कैम है। इसे कहते हैं श्रद्धा का बाजार। सर ये काजल का फोन डिकोड हो गया है सर, उसमें एक वीडियो मिला है, ये देखिए। सर ये काजल का ट्रैप है, स्वामी जी ने तो कुछ भी नहीं किया। सर काजल को एक आदमी पलक के लिए भी ब्लैकमेल कर रहा था, उसके भी मैसेजेस है फोन में। अच्छा तो ये सब खेल स्वामी को बदनाम करने के लिए चल रहा था और इसीलिए काजल को मार दिया। सर अगर ये सच है तो क्रोनोलॉजी देखी जाए तो पलक भी जिंदा नहीं हो सकती। लक्ष्मण का एंगल भी चेक करना होगा, क्योंकि मोहित के टर्मिनेशन के बाद और स्वामी के अरेस्ट होने के बाद सब कुछ लक्ष्मण का हो जाता। सर अगर बाबा ने कुछ नहीं किया तो फिर ये काजल सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी, क्योंकि उसके फोन से तो कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल पता नहीं चल रहा। सर ये हेमंत, काजल इसके घर पे काम कर रही थी, ये काजल के बारे में बोलते हुए भी हेमंत हिचकिचा रहा था। मुझे लगता है दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद यही मास्टरमाइंड है। सर फिर तो सुभाष भी रडार पर है, वो काजल से नफरत करता था पता नहीं क्यों। हर्षा पता करो, इस फैमिली की सारी कुंडली चाहिए मुझे। गणेश भाव सर, ये पलक स्कूल से गायब हुई है, उस स्कूल से लेके उसके घर तक का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। हाँ सर, मैंने झूठ कहा था, स्वामी जी ने मुझे मोहित सर पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा था। कोई भी गुरु गुरु दक्षिणा उसी से लेता है जो उसका सबसे करीबी शिष्य हो। तुम मुझे आज गुरु दक्षिणा दोगी जो मैं कहूंगा, तुम मोहित पे झूठा इल्जाम डालोगी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मेरी नौकरी चली जाती, और इसीलिए मैंने झूठा बयान दिया।
बोल रहा था ना मेरी बीवी है। ये तो सच कह रहा था। अच्छा ये बता सुहागरात मनाई कि नहीं? अरे क्या बात कर रहा है, मनाई होगी लेकिन वैसी वाली नहीं मनाई होगी, है ना? वैसी वाली? हाँ वैसी वाली मतलब कैसी? अरे मतलब ये देख, ये ऐसी ऐसे थोड़ी होते सुहागरात, बड़े बच्चे यही सब कुछ करते हैं। और तू ही तो बोल रहा था ना तू बड़ा हो गया है। हाँ बड़ा तो हो गया मैं। हाँ पलक ये दोनों है ना मेरे दोस्त है, अब ना हम तीनों मिलके सुहागरात मनाएंगे। स्वामी जी हमें मालूम है आपको फ्रेम किया गया है, आपको क्या लगता है किसने किया होगा? मोहित उसे आश्रम के बारे में सब पता था और उसे आश्रम की कोई परवाह भी नहीं थी। उसने वही किया जो आपने किया, झूठा इल्जाम। हमने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, वो ममता हमारे पास खुद आई थी। उसी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने उसे 10 लाख रुपए दे दे झूठी गवाही देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मोहित हमें बदनाम करने के लिए बोल रहा है। ये लक्ष्मण में तो हो सकता है क्योंकि आपके अरेस्ट होने के बाद सारे अकाउंट्स और ये आश्रम किसके अंडर होगा? आप गलत समझ रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ। अच्छा तो फिर वो $2 लाख की एंट्री क्यों नहीं है? लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से हमें वो डोनेशन रिटर्न करना पड़ा, लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होते हुए वापस ले लेंगे। वो एकनाथ अच्छा बाप नहीं है, हमेशा दारू पी के आता है और बच्चियों को मारता है। पलक का ख्याल रखने के लिए काजल वहाँ नौकरानी का काम कर रही थी। और ये सुभाष का क्या मैटर है, वो काजल को गाली क्यों देता है? उसके घर में आग लगी उस काजल की वजह से। सोनम का रिश्ता बड़े घर में तय हुआ था, बड़ी पार्टी थी मैडम, लेकिन काजल की खबर बाहर आई और उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। खान ये ममता को 2 लाख रुपए दिए थे, किसने दिए थे पता करो। ये $2 लाख ये दो का आंकड़ा बहुत खटक रहा है। सर काजल के पीएम रिपोर्ट के अनुसार काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कंसेंशुअल सेक्स हुआ था। रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस, पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था सर, और टाइमिंग ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। सर मैंने हेमंत की CDR चेक की, उसमें सर उसके मोबाइल लोकेशन रात के 11 से 1 बजे तक विराजनगर में थी जहाँ पे काजल का मर्डर हुआ। सर ये पक्का हेमंत है, ये हेमंत और काजल का अफेयर चल रहा था, इन दोनों ने स्वामी को फंसाने का प्लान बनाया। सर ये हेमंत पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, ये काजल तो टूल थी, असली गेम प्लानर तो ये हेमंत है। खान ये थ्योरी करेक्ट हो सकती है क्योंकि आश्रम का कोई आदमी है जिसने इन्फॉर्मेशन दी, बिना इन्फॉर्मेशन का ये नहीं हो सकता। ये मोहित और लक्ष्मण इन दोनों में से कोई तो हेमंत से मिला हो, काजल को जिस नंबर से फोटो आया था वो नंबर ट्रैक बैक किया। यस सर फेक आईडिया। हेमंत बोला सर जी। सर उस रात में विराजनगर ही था, मेरे कुछ बिजनेस के काम से गया था, लेकिन उसका काजल की मौत से क्या लेना देना? क्या काम था? पर्सनल था। क्या पर्सनल रे, तेरा और काजल का अफेयर चल रहा था ना, उस रात तू उससे मिला, संबंध बनाए और बाद में मार दिया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं सर, एक्चुअली कुछ दिनों से पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है तो सोचा मटका खेल के कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि सही रास्ते से तो पैसे मिलने से रहे, इसलिए मैं मटके के अड्डे पे था। इसका DNA करा। DNA टेस्ट क्यों सर? चौके हमको मजा आता है हमको DNA करने में, DNA खेलते हैं हम लोग। चल चल सर मैडम, लेकिन मेरा सर ये मोहित ममता और विद्या के कॉल रिकॉर्ड, मामला गड़बड़ है सर। सर ये ममता ने मोहित के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज लगाए थे, लेकिन फिर भी अभी भी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, ये दोनों भी आश्रम से जा चुके हैं, लेकिन ये विद्या जो आश्रम के अकाउंट देखती है ये लगातार इन दोनों के कॉन्टेक्ट में है। मतलब वो विद्या है जो मोहित को इन्फॉर्मेशन दे रही थी सर। और ये विद्या और मोहित सिर्फ दोस्त और कलीग नहीं, उससे भी ज्यादा है, उनके मैसेज कन्वर्सेशन पढ़े मैंने। अच्छा ये देखिए ये दोनों ने मिलके किए। गुड जॉब खान। सर और एक बात, ये मोहित ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर से 2 का आंकड़ा, किसको किए? शालिनी भल्ला। ममता जी ये शालिनी भल्ला कौन है? मुझे क्या पता,
चचेरी बहन है तुम्हारी। मोहित ने स्वामी जी के खिलाफ बोलने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे ना तुम्हें? नहीं, ये झूठ है, वो पैसे मैंने नहीं थी। देख, क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो गलती जरूर करता है। ये रहा तुम्हारे प्यार का कच्चा चिट्ठा, तुमने तुम्हारे मोबाइल से पलक का फोटो निकाला। सर मैं बताता, इस आश्रम और स्वामी जी को लोगों तक पहुंचाने में दिन रात एक किए मैंने, और इतना सब करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एक झटके में मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्सा आया था सर, मैं बदला लेना चाहता था। फिर विद्या ने मुझे बताया कि वो हेमंत के घर जाने वाले। जब मैंने हेमंत की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि काजल उसके यहाँ नौकरानी का काम करती है। काजल अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो जहाँ से गायब हो गए, लोकेशन पता है तेरे को? हाँ सर। सीसीटीवी चालू है। ये औरत कौन है और ये पलक इसके साथ क्यों गई? सर, वैसे तो पलक का घर यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गई, इस औरत के साथ गई। शायद ये मोहित से बचने की कोशिश कर रही है। सर, इस औरत ने लाल साड़ी पहनी है। यहाँ आगे एक बाबा बैठता है, वो काला जादू करता है। उसके यहाँ बहुत दूर दूर से औरतें आती है, वो सब लाल साड़ी पहन के ही आती है। मुझे लगता है औरत भी वहीं से आई है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, हम तो सिर्फ पूजा करवाते हैं साहब। ए, मुझे मत सिखा। सुन, ये देख, ये आई थी तेरे पास? आई थी क्या? हाँ साहब, ये आई थी। ये नासिक से आई थी। इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो उसको इलाज कराना था उसका। तेरा बेटा अधूरा है, उसके किसी स्त्री के साथ में संबंध बना, अगर वो ना मिले तो किसी कुंवारी लड़की की शादी मना, इंसान से नहीं तो पुतले से मना। एक बार तेरे बेटे ने उस लड़की के साथ रात गुजारी तो अगले दिन का सूरज नया होगा, अलग होगा। तुम जैसे ढोंगी लोगों की वजह से अपना देश पीछे रह रहा है, समझे? औरत का एड्रेस दे रहा है इससे। ये खून वून मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रखो यहाँ से। अरे अरे, मैं बाप हूँ तो इसी यहाँ से लेके जा, दूर हटो। पलक ही बाबा है तुम्हारे? बाबा नहीं है, राक्षस है ये। के मरने के बाद दीदी का रोज बलात्कार करता था। बाबा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पलक का कुछ पता नहीं चल रहा है। किडनैपर्स को भी कॉल किया था पर उनका फोन ऑफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहां से लेके आऊं पलक को। आपने कही बाबा, और तुम ये बात बताकर बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूं, जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया उसको छोड़ूंगा नहीं। बोल। नशे की हालत में होश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, जानवर बन जाता हूं। कान। अरे हैवान है सर, ये हैवान। बड़े बेटी ने छोटी बेटी को बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की, भविष्य खराब कर डाला। तूने उसके साथ भी रेप किया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। काजल अपने जिंदगी से हार मान चुकी थी। बता, क्यों मारा काजल को? मैं नहीं मारा साहब, मैं उस रात सो गया था। रात को मेरी नींद खुली, मैं मोहरी के तरफ जा रहा था, मुझे कुछ आवाजें सुनाई आई। कौन था टेरेस में? काजल ने मुझे बुलाया था, डरी हुई थी वो। मुझे पलक को ढूंढने के लिए तेरी मदद चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं जब काम पे जाती हूँ ना तो बाबा पलक का बलात्कार करते, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते। एक बार पलक मिल जाएगी ना तो हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज मेरी मदद कर दे।
पर मैं तेरे सिवा किसी पे नहीं भरोसा कर सकती। मैं कैसे तुझ पे भरोसा करूं? हाँ, तूने स्वामी जी के बारे में भी मुझे नहीं बताया, न्यूज से पता चला है मुझे। पर वो तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि पलक के किडनैपर्स ने करने को कहा था। मैंने सिर्फ उसको बचाने के लिए सब किया। मतलब एक बहन को बचाने के लिए दूसरे बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी? मतलब तेरी न्यूज जैसे टीवी पे आई ना, शाम ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। उसके घर वालों का कहना है कि एक बहन ऐसी तो दूसरी भी वैसी ही होगी। धंधे वाली कहा है मुझे तेरी वजह से काजल। मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में। मुझे माफ कर दे, सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अगर तुझे लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है तो तुझे जो सही लगे तू वो कर सकती है। इस राक्षस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम तो बहन थी ना उसकी, उसका दर्द समझ सकती थी ना तुम। तुमसे मदद मांगने आई और तुमने उसी को मार दिया। ले जाओ इसको। बाकी के आंसू जेल में बहा ना, चल। हम सिर्फ नाम के लिए अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन है हम आज भी जानवरी। खान, कभी कभी इंसान ने अपने आगे का सोचना चाहिए। अगर ये काजल जब उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था उसी वक्त हमारे पास आती, पुलिस के पास जाती, तो उसके साथ ये नहीं होता। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला गुनहगार होता है। सही कहा सर, पलक भी तो पुलिस के पास आ सकती थी सर, उसने भी गलत रास्ता चुना। हर्षा, सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। शोभा ने गलत रास्ता चुना था, उसी रास्ते पर पलक चली गई। अगर आने वाले संकट के बारे में हमें थोड़ी भी इत्तला हो तो मुझे लगता है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। सही। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.